कौन है जो बाण चलाकर मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने की धृष्टता कर रहा है? ये किसका बाण है? ये सत्य और न्याय का बाण है। इसे खंडित करके आप आगे नहीं जा सकते देवशिल्पी। ओह, तो तुम्हारे बाण से ही मुद्रिका मेरे भवन तक पहुंची थी? हाँ, वो मुद्रिका मैंने ही आप तक पहुंचाई थी ताकि आपकी दृष्टि उस पर पड़े और आप अपनी पत्नी और पुत्र को पुनः स्मरण कर सके जिन्हें आप भुला बैठे हैं। किंतु नहीं, आपके मन में वो मुद्रिका को देख के वही कपट विचार आए जो वर्षों पूर्व आए थे। अतः आप उस मुद्रिका को नष्ट करने का विफल प्रयास करने लगे। किंतु सत्य और न्याय को खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए अब सत्य को सम्मान दीजिए और अपनी पुत्र और पत्नी को अपना लीजिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। अतः मैं किसी भी स्थिति में इस मुद्रिका को नष्ट करके रहूंगा ताकि मुझे अपने वचन का पालन न करना पड़े। ना रहेगी मुद्रिका और ना रहेगा मेरा दिया हुआ वचन। वचन तो आपको निभाना ही पड़ेगा देवशी, क्योंकि मैंने भी वचन निभाया है नल की मां को आपसे भेंट कराने का। अगर आप मुझे बाध्य करेंगे तो मैं भी आपसे युद्ध करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। आपको जैसा उचित लगे आप कीजिए, किंतु मैं आपको धरती लोक पर लेकर ही जाऊंगा। अब मैं भी देखता हूं आप मुझे कैसे लेकर जाएंगे। परशुराम और देवशिल्पी के अस्त्रों के महासंग्राम से ब्रह्मांड का ताप बढ़ने लगा है। यदि शीघ्र ही इस भीषण युद्ध को नहीं रोका गया तो पृथ्वी अग्नि के विशाल वृत्त में परिवर्तित हो जाएगी और समस्त जीव एवं प्राणी जलकर भस्म हो जाएंगे। परशुराम, देवशिल्पी, अब विराम दीजिए इस युद्ध को। प्रणाम प्रभु। मैं आप दोनों के महासंग्राम के अग्नि से इस पृथ्वी को झुलसते हुए नहीं देख सकता। यदि यह युद्ध नहीं रोका गया समस्त सृष्टि का जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्तुत हूं प्रभु, किंतु देवशिल्पी को भी अपना दायित्व और कर्तव्य निभाने के लिए प्रस्तुत होना होगा ताकि उन मां और पुत्र को न्याय मिल सके प्रभु, जो इनकी आस में वर्षों से धरती लोक पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं इन सभी देवों को आदेश देता हूँ, जिसने भी भूलोक में अपने अपने और उस पुत्र को जन्म दिया है वे उन्हें अपना कर उन्हें पिता का नाम दे, और जो देव ऐसा नहीं करेंगे उन्हें देव संहिता के नियम अनुसार दंड का भागीदार बनना पड़ेगा।